नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1-5 ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है इसमें, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ जाते हो ना तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, राइट। गिवन क्या है, पहले आप इसको लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये क्या है, गिवन है, राइट। आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये डेरिवेटिव का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया तो मैं कैसे इसको लिखूंगी, एफ डैश एक्स, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। समझ में आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, अब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं एफ डैश एक्स का, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फाइव, क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो ये रह जाएगा बाहर, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 2+1 अपॉन 2+1 प्लस यहाँ पर 5 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अब एक्स रेज टू 2+1 किया तो 3 अपॉन 2+1 किया तो 3 प्लस 5x प्लस c, ये हमको क्या मिला, f ऑफ x मिला, राइट। तो क्या ये आपका आंसर है, नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे f ऑफ x फाइंड करना है, राइट। इसमें देखो c है ना, तो जब हमको c का वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, c के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ओके, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया था, देखो नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया है, राइट। तो देखो एक्स के प्लेस पर हम 0 रखेंगे, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको सी का वैल्यू चाहिए। तो देखो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी एक्स है ना वहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, तो 0³ प्लस 5 × 0 प्लस सी, एफ ऑफ 0 इज -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 इज इक्वल टू, देखो 0³ क्या होता है, 0, 0³ इज 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 5 × 0 प्लस सी, इट मीन्स सी का वैल्यू हमको क्या मिला, -1 मिला। अब क्या करेंगे, इस सी के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लिखना कि सब्स्टिट्यूटिंग C इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ / 3 प्लस 5x, c के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -1, तो यहां पर लिख देते हैं -1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के जैसे है, क्या दिया इसमें कि इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 3x² + 2x + k एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, इसको लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, राइट। ये क्या है, गिवन है, तो यहां पर हम लिख देते हैं गिवन। अब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। अब यहां पर लिखिए f डैश x को, सो f डैश x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, देखो यहां पर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के dx। इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर। फिर इंटीग्रेट करेंगे हम x क्यूब को, यहां पर dx लिखना जरूरी होता है, भूलिएगा मत। फिर माइनस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये रह जाएगा बाहर, इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर को, फिर यहां पर लिख दीजिए dx। उसके बाद 2 क्या है, कांस्टेंट, तो ये रह गया बाहर, इंटीग्रेट करेंगे x को, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं dx। फिर प्लस k क्या है, कांस्टेंट है, तो ये रह गया बाहर, फिर इंटीग्रेट करेंगे ओनली dx को। समझ में आया, dx का मतलब क्या, यहां पर 1 है। अब 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ओके, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा है यहाँ पर, f of x is equal to x raised to 4 minus x cube फिर plus x square plus kx plus c, right? इसको आप लिख दीजिएगा equation number 1, okay? इतना समझ में आया, हमने f of x find कर लिया है। अब हमको क्या find करना है, देखो यहाँ पर क्या है, k और c, हमको k और c का value चाहिए, तो कैसे हमको मिलेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, f of 0 is equal to 1, यहाँ पर लिखते हैं now f of 0 is equal to क्या दिया है, 1 दिया है, right? तो x के प्लेस पर अभी 0 पुट करके देखते हैं, तो f of 0 is equal to x के प्लेस पर 0 raised to 4 लिखिए, फिर माइनस 0 raised to 3 प्लस 0 स्क्वायर प्लस k into 0 प्लस c, f of 0 is equal to 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पर क्या बचा, c, तो लिख देते हैं c is equal to 1। देखो c का वैल्यू हमको क्या मिला है, 1 मिला है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, लिखिएगा यहाँ पर एंड f of 1 is equal to 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, x के प्लेस पर 1 रखेंगे, ओके, और जहाँ पर c है वहाँ पर 1 रखेंगे, इससे क्या होगा, हमको k का वैल्यू मिलेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, f of 1 is equal to, देखो x के प्लेस पर 1 रखिएगा, 1 raised to 4 minus 1 cube plus, इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 raised to 4 minus 1 cube plus 1 square plus k into 1, देखो c के प्लेस पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, ओके, f of 1 is equal to क्या दिया है, 4, तो 4 is equal to 1 raised to 4 मतलब 1 minus 1 raised to 3 मतलब 1 plus 1 का square 1 होता है, k 1 सा k plus 1, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, plus 1 minus 1 cancel, 1 plus 1 2, यहाँ पर आ गया 2 plus k, इधर है 4, 2 को इधर ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, k is equal to 4 minus 2, मतलब k का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2, देखो k का वैल्यू आपको मिला 2, यहाँ पर लिख देते हैं कि therefore k is equal to 2, right? तो यहाँ पर देखिएगा, हमने c का वैल्यू निकाला, k का वैल्यू निकाला, अब हम क्या करेंगे, c और k इन दोनों वैल्यूज को ना इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूटिंग the value of c and k in equation 1. तो equation 1 क्या है, f of x is equal to
एक्स रेज टू फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के प्लेस पर क्या लिखना है, टू लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, लिख दिया मैंने, प्लस सी के प्लेस पर क्या लिखना है, वन लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वन। तो यही है आपका फाइनल आंसर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस के एक्स प्लस वन, इट इज गिवन। फिर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या दिया है, टू, एंड एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स जो दिया है उसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस के एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा, तो देखो ये जो टू है डिनोमिनेटर में ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आएगा बाहर, तो वन अपॉन टू आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, यहाँ पर लिख दीजिए डी एक्स, माइनस के क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेट करेंगे एक्स को, यहाँ पर लिख दीजिए डी एक्स, फिर प्लस, अब यहाँ पर वन है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स। देखो वन रहता है ना, तो आप बस डी एक्स लिख सकते हो, ओके, चाहो तो वन भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो वन डी एक्स लिखो या फिर बस डी एक्स लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो वन अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, फिर माइनस के इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी एक्स का एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन टू थ्री जा सिक्स माइनस, यहाँ पर k इंटू एक्स करेंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, राइट, अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। अब देखो इसको मैं कंसिडर करती हूँ इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पर लिखते हैं नाउ f ऑफ जीरो कितना दिया है, टू दिया है, तो x के प्लेस पर अभी जीरो पुट करते हैं, तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो x क्यूब है ना, तो जीरो क्यूब अपॉन सिक्स माइनस k इंटू जीरो स्क्वायर अपॉन टू प्लस जीरो प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू दिया है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, मतलब सी का वैल्यू हमको क्या मिला, टू मिला, सी का वैल्यू क्या मिला, टू मिला। फिर आगे एफ ऑफ थ्री कितना दिया है, फाइव दिया है, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव, ये क्या है, गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक्स के प्लेस पर थ्री रखेंगे, तो देखिए एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू ये क्या है, x है ना, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री का क्यूब अपॉन सिक्स, फिर माइनस k, देखो x स्क्वायर है ना, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे थ्री स्क्वायर अपॉन टू प्लस, देखो x के प्लेस पर क्या आएगा, थ्री प्लस क्या है C, तो C के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ओके, क्लियर है आपको इतना। अब देखो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या दिया है, 5, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 अपॉन 6 माइनस 3 का स्क्वायर करिए तो 9 के अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे तो 5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं 5 को इधर ले लेते हैं, तो 5 माइनस फाइव, देखो इधर प्लस फाइव है, इधर आएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, और अगर मैं इस माइनस नाइन के अपॉन टू को इधर लूँगी तो क्या हो जाएगा, प्लस नाइन के अपॉन टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है, 27 अपॉन 6, समझ आया इतना। देखो 5 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, 0 प्लस नाइन के अपॉन टू इज इक्वल टू 27 अपॉन 6। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है ना, 2 को इस साइड ले लेंगे और 9 को भी इस साइड ले लेंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 इंटू 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में, ओके, इस तरह से। अब क्या होगा, देखो 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, फिर 3
थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, यहाँ पर क्या बचा, टू अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल, मतलब k का वैल्यू हमको क्या मिला, वन मिला। अब हम क्या करेंगे, c और k इन दोनों वैल्यूज़ को ना इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखना कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सी एंड के इन इक्वेशन वन। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब अपॉन सिक्स, फिर माइनस के, के के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, देखो वन, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिखा, एक्स प्लस सी के प्लेस पर टू लिखना है। तो यही है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था, एफ एक्स निकालने के लिए, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।